भगवान श्री राम जिनका श्रद्धा पूर्वक नाम लेने मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है, जिन्होंने रावण को हराकर इस संसार पर धर्म की स्थापना की, उनके बारे में पुराणों में और तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण में ये प्रमाण मिलता है कि उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। और गोरखपुर गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक जिसका नाम है अयोध्या दर्शन, उस पुस्तक में ऐसा वर्णन हुआ है कि महाराजा विक्रमादित्य द्वारा अयोध्या की खोज करने के पश्चात वहां राम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन साल 1528 के आसपास बाबर के समय यानी जब भारत में मुगलों का शासन स्थापित होने लगा था, तो जिस स्थान पर मंदिर था उस जगह पर गुंबदों का निर्माण करवाया गया था और उस राम मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। और ऐसा आरोप हिंदू समुदाय द्वारा हमेशा से लगाया जाने लगा था। लेकिन लगभग 492 सालों तक ये विवाद बना रहा और एक पक्ष यहाँ पर कहता था कि पहले से ही मस्जिद था, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष हमेशा से यही कहता आ रहा है कि विवादित स्थान पर मंदिर है, उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। लेकिन साल 2020 को 5 अगस्त के दिन कोर्ट के द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और कोर्ट ने उस स्थान पर राम मंदिर होने की बात मान ली और मस्जिद होने की बात को नकार दिया गया। और आज हम सभी जानते हैं कि उस स्थान पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष में होने के लिए भारत के वर्तमान के महान जगतगुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा दिए गए तथ्यात्मक बयान ने ही कोर्ट के फैसले का रुख मोड़ दिया और ये फैसला हिंदू पक्ष के रूप में आ गया और जज ने भी ये स्वीकार कर लिया कि उक्त स्थान पर राम मंदिर ही था। तो दरअसल जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने अयोध्या में राम मंदिर होने के 437 प्रमाण कोर्ट को दिए थे और ये सभी प्रमाण उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा कि वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 8वें श्लोक से श्री राम जन्म के बारे में जानकारी शुरू होती है और ये सटीक प्रमाण है। इसके बाद स्कंद पुराण में राम जन्म स्थान के बारे में बताया गया है और इसके मुताबिक राम जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू माता बह रही है और एक धनुष 4 हाथ का होता है और आज भी यदि नापा जाए तो जन्म स्थान से सरयू नदी उतनी ही दूरी पर बहती है। और इसके पूर्व अथर्ववेद के दशम कांड के 31वें अनुवाक्य के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि 8 चक्रों व 9 प्रमुख द्वार वाली श्री अयोध्या देवताओं की पुरी है, उसी अयोध्या में मंदिर महल है, यानी भगवान राम का जन्म स्थान वही है। और जब कोर्ट के द्वारा आदेश देने पर जब उस जगह का उद्खनन हुआ तो वहां पर ऐसे प्रमाण मिले जो ये साबित करते हैं कि भगवान राम का जन्म वही हुआ था। और स्वामी राम भद्राचार्य जी द्वारा पुराणों के अनुसार दिए गए सबूत के आधार पर ये सिद्ध हुआ कि वहाँ राम मंदिर ही था और भगवान राम का जन्म वही हुआ था। तो अगर बात करें स्वामी राम भद्राचार्य जी के बारे में तो इनका जन्म 1950 में 14 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में हुआ था। लेकिन जन्म के मात्र 2 महीने बाद ही इनकी आंखों में ट्रैकोमा नाम का संक्रमण हो गया जिसकी वजह से इनकी आंखें जो थी वो खराब हो गई। लेकिन इन्होंने जन्म तो ब्राह्मण परिवार में लिया था और इनके घर में पूजा पाठ का माहौल शुरू से ही था और ऐसा कहा जाता है इनके जो माता पिता और दादा थे वो सदैव रामायण महाभारत और भागवत का पाठ किया करते थे जिसे ये भी सुना करते थे। और मात्र 3 वर्ष की आयु में ही इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कविता लिख दी थी और ये कविता अपने घर में वो सभी को सुनाया करते थे। और इसी तरीके से ऐसा कहा जाता है कि मात्र 5 वर्ष की आयु में ही सिर्फ 15 दिनों में गीता का संपूर्ण पाठ याद कर लिया, यानी उनको पूरी तरीके से गीता कंठस्थ हो गई, यानी मात्र केवल सुनने भर से ही वो महाभारत और गीता को कंठस्थ याद कर लेते थे। और ऐसा कहा जाता है कि 17 वर्ष की आयु तक उन्होंने सारे रामायण महाभारत और अन्य कई काव्य को कंठस्थ याद कर लिया था। और उस समय तक यानी 17 वर्ष की उम्र तक उन्होंने ना ही कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी और ना ही उन्होंने ब्रेन लिपि की पढ़ाई की थी और मात्र उन्होंने सुनने भर से ही ये सारी चीजें कंठस्थ याद कर ली थी, जिसके वजह से उनके घर वाले ये चाहते थे कि वो एक कथा वाचक बने। लेकिन उनकी रुचि पढ़ाई करने में ज्यादा थी और जब उन्होंने ये बात अपने पिता से कही तो उनके पिता ने उनको शिक्षा दिलाने के लिए नेत्रहीन बच्चों के विशेष स्कूल को खोजना प्रारंभ किया। लेकिन उनकी माता ये सुनकर काफी सहम गई और उन्होंने ये कहा कि नेत्रहीन बच्चों के साथ स्कूल में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। फिर उनकी माता के मना करने के बाद उनके पिता ने 7 जुलाई 1967 के दिन जौनपुर के पास में ही स्थित एक स्कूल जिसका नाम था आदर्श गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय में एडमिशन करा दिया। लेकिन वो वहाँ पर सभी विषयों को सुनते थे और उनके सुनने की क्षमता और माइंड कैलकुलेशन इतनी अच्छी थी, वो हर समय जब तक स्कूल में रहे
वो टॉप पर बने रहे, यानी वो हमेशा टॉप आते थे। और फिर आगे चलते हुए उन्होंने संस्कृत भाषा में ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट जैसी शिक्षा ग्रहण की, जिसमें हर एक परीक्षा को उत्तीर्ण करके उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये तो बात रही उनके जीवन के कुशल विद्यार्थी के रूप में, लेकिन अब बात करते हैं राम भद्राचार्य जी ने ऐसे कौन से प्रमुख कार्य किए जिनकी वजह से आज भारत उनको सम्मान करता है। तो साल 1988 में 24 जून के दिन राम भद्रा दास जी को वाराणसी में काशी विद्या परिषद के द्वारा इन्हें जगत गुरु राम भद्राचार्य के रूप में चुना गया था, जिसके बाद उन्हें जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य के रूप में जाना जाता है। और स्वामी राम भद्राचार्य जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 14 भाषाओं के विद्वान हैं और इन्हें 55 भाषाएं बोलने आती हैं, यानी ये संस्कृत, हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी जैसी कई भारतीय और विदेशी भाषाएं बोल सकते हैं। और उन्होंने इसी भाषा में कई कविताएं और साहित्यों का निर्माण भी किया है। और यही नहीं, स्वामी जी के नेत्रहीन होने की वजह से उनको विकलांगों के कष्टों का पता है, जिसके कारण उन्होंने चित्रकूट में विश्व का पहला आवासीय विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसमें सभी प्रकार के विकलांग जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और तो और स्वामी जी के प्रयासों के कारण ही गुजरात के राजकोट में 100 बेडेड वाला जयनाथ हॉस्पिटल भी ओपन किया है, जिसमें ब्लड बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है। और इनके इस अर्थक प्रयास के कारण साल 2015 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें सर्वोच्च नागरिक यानी पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और स्वामी राम भद्राचार्य जी वर्तमान समय के ऐसे धर्म गुरु है जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी की उपाधि दी जाती है, यानी ये आज के भारतवर्ष के वो धर्म गुरु हैं जिन्होंने नेत्र ना होने के बावजूद भी लोगों को सोच की नई दृष्टि प्रदान की है। तो ये वो महान स्वामी हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। तो अगर उनकी ये कहानी और जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई हस्ती के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।